हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल उपचार नुस्खे में। हम चैनल उपचार नुस्खे में डेली एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल उपचार नुस्खे को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की हुई सभी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। अगर आप भी यूज़ करते हैं शैम्पू तो जरूर जान लें ये 5 बातें। अगर आपके बाल सुंदर और घने हैं तो अपने लुक के लिए आप काफी संतुष्ट नजर आते हैं। सुंदर दिखने के लिए जितना मेकअप और सुंदर कपड़ों की जरूरत होती है, उतना ही जरूरी है आपके बालों की देखभाल। साथ ही बालों के रखरखाव के लिए आप क्या कुछ नहीं करते। अगर आप अपने बालों को साफ रखने के लिए रोज यूज करते हैं शैम्पू, तो बाल धोते समय शैम्पू का ज्यादा यूज करने से आपके बाल खराब भी हो सकते हैं। कई लोगों का ऐसा मानना भी होता है कि बालों की सफाई के लिए रोज शैम्पू करना जरूरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बालों की सही से देखभाल ना होने की वजह से अक्सर बाल रूखे और बेजान होते नजर आने लगते हैं। ये समस्या लगभग हर स्त्री व पुरुष की होती है। इसके पीछे का एक कारण आपका शैम्पू भी है। अगर आप रोजाना शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो जरूर जान लें ये जरूरी बातें। सर की त्वचा ऑयल वाले दें इस बात पर ध्यान। अगर आपकी सर की त्वचा ऑयली है और आपके बाल अपने आप ऑयली हो जाते हैं, तो तब आपको हेयर वॉश रोज नहीं करना चाहिए। ऑयली स्किन होने के कारण आपके बालों को हमेशा ऑयल फ्री रखना हो तो हफ्ते में 2 से 3 बार हेयर वॉश करें। ज्यादा बालों को रोजाना धोने की जरूरत नहीं है। सर की त्वचा ड्राई है तो जाने ये बात। अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है तो आपको रोज शैम्पू नहीं करना चाहिए। रोज शैम्पू करने से आपकी स्कैल्प और ज्यादा ड्राई हो जाएगी, जिससे आपको डैंड्रफ की समस्या भी हो सकती है। साथ ही स्कैल्प की बालों पर पकड़ भी कमजोर होने लगती है और इससे आपके बाल भी कमजोर और टूटने लगते हैं। इस बात का सीधा असर आपके लुक पर पड़ेगा। इसलिए अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है तो हफ्ते में 2 से 3 बार ही आपको हेयर वॉश करना चाहिए। जाने बालों को कब और कैसे धोएं। माना जाता है कि तेल लगाने के बाद तेल का असर स्कैल्प पर जल्दी नहीं होता, इसलिए बाल धोने के बाद भी कई बार रूखे रूखे नजर आने लगते हैं। इसीलिए जब तक तेल से सर में तरावट ना आ जाए, तब तक बाल नहीं धोने चाहिए। तेल से सर में तरावट आ जाने के बाद आप बालों को गुनगुने पानी से धो सकते हैं। कैसे करें शैम्पू का चुनाव। अपने शैम्पू का चयन किस आधार पर करते हैं यह आपके बालों की प्रकृति पर निर्भर करती है। अपने बालों को सिल्की रखने के लिए ज्यादा कठोर शैम्पू का यूज ना करें। ज्यादा कठोर या ज्यादा केमिकल वाले शैम्पू से आपके बाल रूखे और बेजान नजर आने लगते हैं और आपके बालों की चमक भी खोने लगती है। इसीलिए अपने बालों के अनुसार ही शैम्पू का चुनाव करें। शैम्पू करते समय इन बातों पर दे ध्यान। शैम्पू करते समय सर की हल्के हाथों से मालिश करना ना भूलें। मसाज से सर में आपके बालों की खूबसूरती भी बढ़ने लगेगी। इसके अलावा कभी भी गर्म पानी से अपने बालों को धोने की गलती ना करें, इससे आपके बाल रूखे होते हैं। इसलिए बालों को धोते समय गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आपको यह सभी जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल उपचार नुस्खे को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।